Hello students, it is the 8th part of this lesson, Discovery Tut, the saga continues. And you can say it is the final part of this lesson. Okay students? तो इसे जो फर्स्ट वीडियो थी यानी कि 7th वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उसको स्कैन करने के लिए ले गए, किस तरह से मशीन ने वर्क करना बंद कर दिया, किस तरह से उन्होंने व्हाइट हैंड की हेल्प से उस मशीन ने वर्क करना शुरू किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल गई। और फिर उन्होंने क्या किया कि वापस उस बॉडी को वहीं पर किंग टट की बॉडी को वहीं पे बरी कर दिया, यानी कि उसी कॉफिन में रख दिया जहाँ से वो कॉफी पहले उसको वहाँ पे बरी किया गया था। ओके एंड नेक्स्ट पैराग्राफ बिगिन फ्रॉम हियर। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेज ऑफ द टैट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। बैक इन द ट्रेलर यानी कि ट्रेलर में, वापस ट्रेलर में, जब वापस वो ट्रेलर में आए तो उन्होंने टेक्नीशियन जो था उनका टूट के उसने बहुत ही कैसे एस्टोनिशिंग इमेजेज कंप्यूटर स्क्रीन से ली यानी कि निकाली, पुल्डअप किया, यानी कि बहुत ही अच्छी मतलब इमेजेज जो थी, इमेज का मतलब पिक्चर्स तस्वीरें, वो उसने कंप्यूटर स्क्रीन से ली, स्क्रीन से निकाली। अ ग्रे हेड टुक द शेप फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ अ पिक्सल एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। क्या किया, कंप्यूटर जो कंप्यूटर स्क्रीन थी उस पर जो ये पिक्सल्स स्कैटर्ड हो रहे थे यानी कि बिखरे हुए पिक्सल्स थे, उनमें से एक ग्रे हेड यानी कि एक ग्रे हेड का उन्होंने शेप ले ली थी, जो पिक्सल्स बिखरे हुए थे एक ग्रे हेड की उन्होंने शेप ले ली थी। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और जो टेक्नीशियन था डायरेक्शन में उसको स्पन करके देखा, घुमा करके देखा एंड टिल्टेड, टिल्टेड का मतलब उसको झुका करके देखा, तिरछा करके देखा, ऐसे झुका करके देखा, यानी कि उसको हर तरीके से देखा, घुमा करके भी देखा और उसको झुका करके भी देखा टेक्नीशियन ने। नेक वर्टिब्रे अपीयर एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास, और जो उसके गर्दन की वर्टिब्रे थी यानी कि जो वर्टिब्रे थी गर्दन की वो बिल्कुल इतनी साफ दिखाई दे रही थी जैसे कि एनाटॉमी क्लास में दिखाई जाती है। भाई जो मेडिकल साइंस पढ़ते हैं उनमें एनाटॉमी की क्लासेस चलती हैं, तो उसकी जो वर्टिब्रे थी नेक की गर्दन की वो उतनी क्लियर दिखाई दे रही थी जितनी कि क्लासेस में दिखाई जाती है। अदर इमेजेज रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल। क्या हुआ, अदर इमेजेज रिवील्ड, और जो दूसरी इमेजेज थी क्या था, एक हाथ से मतलब उसमें क्या दिखाई दे रहा था, रिवील कर रहा था क्या था, एक हाथ दिखाई दे रहा था उसमें, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब्स केज, और कई दृश्य कई व्यूज रिब्स केज के भी दिखाई दे रहे थे उसमें, एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और स्कल को आधा काट के दिखाई दे रहा था, स्कल का जो आधा पार्ट दिखाई दे रहा था वो भी दिखाई दे रहा था उसमें। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब जो वो प्रेशर था वो ऑफ हो गया, खत्म हो गया, जो प्रेशर था दबाव था मेंटली दबाव था वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जही हवास स्माइल्ड, अब वापस अपनी चेयर पे बैठते हुए जो जही हवास थे जो ये सारा काम कर रहे थे देख रहे थे वो स्माइल किया उन्होंने यानी कि वो हंसे मुस्कुराए थोड़ा। विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और वो विजिबली रिलीव्ड यानी कि अब ऐसा दिखाई दे रहे थे, ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि उन्हें अब कोई चिंता नहीं है, अब वो टेंशन फ्री है यानी कि चिंता नहीं है उन्हें। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या है, दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा भारी नुकसान नहीं हुआ, मतलब हल्का फुल्का नुकसान हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ यानी कि ठीक हो गया, जैसा वो वर्क चाह रहे थे ऐसा वर्क हो गया। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड ही सेड, उसने कहा लास्ट नाइट में सो नहीं सका, एक सेकेंड के लिए भी नहीं सो सका। किसने कहा ये, जय हवास ने,
कि लास्ट नाइट में बिल्कुल नहीं सोया, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया। आई वॉज सो वरिड, मैं बहुत चिंतित था, आई वॉज वरिड, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं जाऊँ और सो जाऊँ, यानी कि अब मैं सो सकता हूँ, अब मुझे नींद आ जाएगी, यानी कि क्यों, क्योंकि वो टेंशन फ्री हो गए, अब उन्हें टेंशन ही नहीं है। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. By the time we left the trailers, यानी कि जब हम ट्रेलर से बाहर आए, जब हमने ट्रेलर को छोड़ा, it means कि जब हम ट्रेलर से बाहर आए, descending metal stairs to the sandy ground, और metal की बनी जो stairs थी, उसमें से हम sandy ground पर आ गए। जो सैंडी ग्राउंड था, यानी कि मिट्टी वाला रेत था, रेत का जो ग्राउंड था, मैदान टाइप था, वहाँ पर आ गए हम। द विंड हैड स्टॉप, तो फिर क्या हुआ, जो हवा चल रही थी, जो विंड चल रही थी, नॉट नॉर्मल एयर, बल्कि जो विंड चल रही थी वो भी स्टॉप हो गई, वो भी बंद हो गई। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड। द विंटर एयर ले कोल्ड, जो विंटर एयर थी वो बहुत ठंडी, नेचुरली जो विंटर एयर होती है, विंटर में तो वैसे ही बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, एंड स्टिल, और शांत थी, ठंडी हवाएं थी लेकिन शांत थी, स्टिल थी, किसकी तरह, लाइक डेथ इटसेल्फ, बिल्कुल डेथ की तरह, बिल्कुल मृत्यु की तरह। आपने देखा जब मृत्यु होती है ना, किसी बिल्कुल एकदम शांत, हमारा कोई बोलता है ना कुछ, और कुछ सब नेचुरली जहाँ तक हम नहीं पहुँचते, कुछ आत्मा का विस्तार होता था, बिल्कुल शांत उस समय। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड का मतलब, डिपार्टेड का मतलब जो जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, जो डिपार्टेड हो चुके हैं, यानी कि मृत लोग, मृत लोगों की इस घाटी में या इस वैली में डेथ की तरह बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी और बिल्कुल शांत थी, ठंडा हो रहा था, विंटर एयर चल रही थी लेकिन बिल्कुल शांत थी। कहाँ पर, जहाँ ये डिपार्टेड वैली थी या डिपार्टेड लोगों की वैली थी, यानी कि घाटी थी। जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू टट्स टॉम स्टूड ओरियन, और जस्ट अबाउट द एंट्रेंस, और जो टट का जो एंट्रेंस था बिल्कुल उसके ऊपर, एंट्रेंस का मतलब जहाँ पे आने जाने का होता है, बिल्कुल उसके ऊपर टॉम स्टूड ओरियन, टॉम के ऊपर कौन खड़ा था, ओरियन। ओरियन मीन्स, नॉर्मली हम कैसे बोलते हैं ओरियन को, द कॉन्स्टेलेशन, जो कॉन्स्टेलेशन होता है उसको हम, जिसको हम नक्षत्र, हिंदी में हम नक्षत्र बोलते हैं, इस तरीके से द कॉन्स्टेलेशन दैट द एंशियंट इजिप्टियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। अब जो ये कॉन्स्टेलेशन था, ये कॉन्स्टेलेशन था वो क्या था, दैट द एंशियंट इजिप्टियन न्यू, जो एंशियंट इजिप्टियन थे, इजिप्ट के लोग थे, वो उसके किस रूप में जानते थे, सोलो ओरिसिस, यानी कि किसे, ओरिसिस की आत्मा के रूप में जानते थे, उसे सोलो ओरिसिस के रूप में जानते थे। और ओरिसिस क्या होता है, ओरिस क्या है, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, ओरिसिस मीन्स, या ओरिसिस इज द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, यानी कि आफ्टर लाइफ की जो गॉड माने गए हैं, दैट इज ओरिसिस, और वो इस बात को जानते थे, जो इजिप्टियन थे वो इस बात को जानते थे। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, अब क्या मानते चलते हैं कि जो ओरिसिस थे वो बिल्कुल उसके ऊपर खड़े थे, और ये माना जाता था कि जो ओरिसिस है, जो गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ है, वो उस बॉय किंग की देखभाल करते हैं, उसको वॉच करते हैं, यानी कि उसकी रक्षा करते हैं। बॉय किंग मीन्स टट, जो किंग टट है, बॉय किंग तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी, तो जो बॉय किंग है, टट है, उनकी वो हेल्प करते हैं, यानी कि उनकी रक्षा करते हैं, उनको वॉच करते हैं, कौन, द ओरिसिस, जो ओसिरिस है, ओसिरिस यानी कि गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू, इट इज अ लॉन्ग चैप्टर एंड इट इज डिवाइडेड इंटू मैनी पार्ट्स, इट इज डिवाइडेड इंटू मैनी पार्ट्स बिकॉज यू कैन लर्न ईजीली। ओके सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, थैंक यू वेरी मच।